सब लड़कियों को होता है, मेरी गर्लफ्रेंड्स को भी है। गर्लफ्रेंड है अभी देखो, इसने बोला मुझे बोलता है नहीं है नहीं है। नमस्ते, कैम चुके सर। जैसे कि मैं आपको लास्ट ब्लॉग में बोला था कि आज मैं मम्मी लोग को दुबई घुमाने लेके जा रहा हूँ। आज हम लोग दो जगह में जाने वाले, जहाँ पे दीदी बहुत बोल रही थी कि ग्लोबल विलेज, वो तो मुझे, मैं भी नहीं गया वहाँ पे, बट एक जगह पे जहाँ पे फ्लावर्स का है, मिराकल गार्डन। सो वहाँ पे दीदी कब का बोलते जाना है जाना जाना, क्योंकि बहुत सारे फ्लावर्स है उधर। सो पहले मिराकल गार्डन जाएंगे, फिर उसके बाद जाएंगे हम लोग ग्लोबल विलेज। सो चलो देखते। ग्लोबल विलेज में ऐसा है कि आप लोगों को कुछ लोगों को पता होगा, जिन जिन लोगों को नहीं पता उनको मैं बताता हूँ। वहाँ पे है हर सिटी की कुछ ना कुछ एक एक चीज़ वहाँ पे बनाई गई है। सो हर कंट्री की जो खास चीज़ें है वो वहाँ पे बनाई गई है। तो चलेंगे हम लोग, देखेंगे कुछ इंडिया की भी चीज़ें होंगी, कुछ बाहर की भी होंगी। सो सारे देखेंगे आज, तो लेट्स गो और लास्ट तक हमारे साथ बने रहिए। पसंद है पर इतने ज़्यादा नहीं, इसकी इतनी ख्वाहिश की ख्वाहिश थी कि चलो गार्डन में चलो, फ्लावर वाले गार्डन में चलो, बट बहुत पसंद आया दीदी को, मुझे भी बहुत अच्छा लगा। बट वो कहते हैं ना कि लड़कियों को बहुत से फ्लावर्स पसंद है, तो पसंद आया है दीदी। मम्मी कैसा लग रहा है? अच्छा नहीं, बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि अलग लग रहा है यहाँ पे, है ना। सारे सारी दुनिया के फ्लावर्स है यहाँ पे, ऐसा बोला जाता है। बहुत क्यूट लग रहा है, पूरे वर्ल्ड के फ्लावर्स है ना, पूरे वर्ल्ड के फ्लावर्स। तू समझा? नहीं तू समझा नहीं। वाओ गाइस, हम लोग यहाँ पे आ रहे, मुझे पता नहीं था यहाँ पे नीता हमको मिलेगी। सो नीता आई, देखो नीता। मैं नीता को चिढ़ाता हूँ, बहुत चिढ़ाता हूँ, तेरा मुंह घोड़े जैसा है, घोड़े जैसा है, देख पिट्टू। नीता फाइनली यहाँ पे मिली। मेरा सिद्धिका ज्यादा नाम लेता, क्यों नाम लेता है इसका, क्यों इसको इसका मतलब बार बार याद करता है, दिन में कितनी बार बोल चुका है सिद्धि सिद्धि सिद्धि, मेरे से ज्यादा इसको याद आ रही। इसने बचपन में हमें इतना प्यार नहीं किया जितना इसके भांजे बहुत, को प्यार, बहुत प्यार किया। ये बिना प्यार के इतने बड़े हो गए क्या? प्यार ही नहीं किया इसने, मारा ही है बचपन में हमको। अरे भगवान, इसका भांजा के घर में मारा है, तो इसके लिए तो आज यहाँ पे दुबई में घूम रहे हैं ना। इसका भांजा जब हमारे घर पे आता है तो वो घर की सारी चीजें इधर उधर कर देता, मेरी एक भी चीज इधर, इसकी नींद भी खराब होती थी मेरे बचपन, मेरे पैर पे बैट तोड़ देती है बैट। नहीं बता, मैंने बचपन में मारा इसके लिए, आज दुबई में घूम रहा है ना, इसके लिए तो आज दुबई में घूम रहा है ना। अगर मैं नहीं मारती तो उधर कंचे खेलता रहता। I'm so done with you and I thought you'd change but you go back to the same old ways. Yeah, I'm
सो यहाँ से अभी हम लोग निकल रहे हैं खुश नहीं ओके ठीक है अच्छी बात है आप खुश है ओके 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 और घुमा सकते थे बट इसके बाद हमको जाना ग्लोबल विलेज तो ग्लोबल विलेज रह जाएगा तो ये गार्डन हम लोग सिर्फ 40% घूमे सिर्फ 40% दीदी के यहाँ से निकलने का मन नहीं हो रहा मैं सोच रहा हूँ दीदी को इधर एक जगह दिला के एक फ्लैट बनवा दो गार्डन में हाँ वही ऐसा इसको बहुत शौक है ऐसे छोटे छोटे सब लड़कियों को होता है मेरी गर्लफ्रेंड्स को भी है अभी देखो इसने बोला यार मुझे बोलता नहीं है नहीं है तेरी गर्लफ्रेंड है कोई गर्लफ्रेंड ही नहीं है सख्त लौंडा मैं कमीना विदाउट हसीना थैंक यू सो मच गाइस बाय इस पे अभी सवाल उठेंगे बहुत सारे ये मैंने गलती से बोल दिया गर्लफ्रेंड का ऑप्शन इसमें अभी बहुत सारे सवाल उठेंगे उससे अच्छा बाय भाई बहुत रश है ना इधर बहुत रश है लेकिन आज नहीं देखेगा तो फिर कल इससे डबल है संडे ना अभी इधर तक आके थोड़ा घूम के आएगा अच्छा तो गाइस ये जो दीदी की इच्छा थी ग्लोबल विलेज ये सब जो सात अजूबे है यहाँ पे सो ये देखा हमने और अंदर थोड़ा घूमा मम्मी को मैंने बोला शॉपिंग कर मम्मी ने बोला नहीं कुछ शॉपिंग नहीं करना है पता नहीं क्यों उसको ये सब शॉपिंग वॉपिंग करती नहीं हो बाहर जब आती है आई डोंट नो आई बोलती है ये सब इंडिया में मिलता है इंडिया में कहाँ मिलता है मुझे भी नहीं पता तो अभी ये भी हमारा देख के हो गया है कि हम ज़्यादा टाइम यहाँ पे रुके नहीं क्योंकि यहाँ पे ये सब हमको देखना तो ये देखा फिर हम लोगों ने पूछा इधर और क्या है तो उन्होंने ऐसा बोला कि इधर राइड्स है बट राइड्स तो हमने लाइक पहले ही दिन आके कर लिया सो अभी हम लोग ने ऐसा सोचा कि अभी हम लोग होटल चले फिर आज सोचा क्योंकि कल हमको जल्दी उठना है दीदी को जाना है डेजर्ट और दीदी मम्मी की दोनों की ख्वाहिश है डेजर्ट जाने की तो फिर कल सुबह जल्दी उठना पड़ेगा हमें फिर मॉर्निंग में उठ के हम डेजर्ट जाएंगे तो उसका भी एक नेक्स्ट ब्लॉग ज़रूर बनेगा थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस ब्लॉग एंड कल हम लोग और एक ब्लॉग बनाएंगे डेजर्ट वाला सो रेड लेना उस ब्लॉग के लिए बाय एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए महाकाल का दबाकर लाइक और शेयर ठोक दीजिए बिग थैंक यू फॉर बीइंग हियर बहुत बहुत धन्यवाद